हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल बैंकर्स फंडा में। गाइस, आज के इस वीडियो में जैसा कि आपने थंबनेल में देखा ही है कि एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स का जो रिज़ल्ट है और साथ ही साथ मेंस का एग्ज़ाम डेट है वो कहीं ना कहीं कोविड-19 के चलते पोस्टपोन ना हो जाए, तो गाइस उससे रिलेटेड हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। गाइस, सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और साथ ही साथ अगर दोस्तों आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ बात करूँगा कि जो हमारे काफ़ी सारी स्टेट्स में यहाँ कर्फ्यू लगा दिया गया है और 31 मार्च तक ट्रेनें बंद है और इंटरनेशनल और डोमेस्टिक फ्लाइट्स जो हैं वो भी यहाँ रद्द कर दी गई है। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं कि काफ़ी सारी स्टेट्स में 144 धारा लग चुकी है, राजस्थान में और दिल्ली वगैरह स्टेट्स में। और पंजाब की बात करें तो दोस्तों वहाँ पर तो कर्फ्यू लगा दिया गया है, पूरी तरह से एकदम बंद ही है जो पंजाब है। अब दोस्तों इसका काफ़ी सारे बैंक्स के जो एग्ज़ाम है उन पे इफ़ेक्ट पड़ा है। जैसे कि आप मान सकते हैं कि आरबीआई जो कि बैंकों का बैंक माना जाता है उसको अपने एग्ज़ाम पोस्टपोन करने पड़े, जो कि 29 मार्च को जो मेंस का एग्ज़ाम था आरबीआई असिस्टेंट का वो यहाँ पर पोस्टपोन करना पड़ा। और जो सेबी के जो एग्ज़ाम है वो भी यहाँ पर पोस्टपोन करना पड़ा, जो कि 12 अप्रैल को था वो अब 4 जुलाई को कर दिया गया है। और साथ ही साथ LICAA के भी जो एग्ज़ाम है वो भी यहाँ पर पोस्टपोन किए गए हैं। ओनली फॉर रीज़न क्या है दोस्तों कि यहाँ कोविड-19 का कहर जिस तरह से इफ़ेक्ट कर रहा है दोस्तों भारत में, वो यहाँ पर टोटल ओवरऑल आपको पता है कि 500 प्लस आज तक टोटल यहाँ पर केसेस देखने को मिले हैं, जिसमें से दोस्तों 10 की यहाँ पर डेथ हो चुकी है। तो गाइज़ ये अपने आप में बहुत बड़ी समस्या है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अपने घरों में सेफ़ होंगे, सुरक्षित होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों इसका SBI क्लर्क प्री के रिज़ल्ट पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। कि गाइज़ SBI क्लर्क प्री का रिज़ल्ट, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि मैंने एक्सपेक्ट किया था कि मार्च के या तो लास्ट वीक में या फिर अप्रैल के फर्स्ट वीक में। अब जैसा कि आपको पता है कि 31 मार्च तक लॉकडाउन है सभी स्टेट्स में, तो गाइज़ कहीं ना कहीं रिज़ल्ट पोस्टपोन हो सकता है। इसकी कोई ऑफिशियल अपडेट अभी तक नहीं आई है, मुझे लगता है कि दोस्तों पोस्टपोन होगा कोविड-19 की वजह से। और साथ ही साथ अगर दोस्तों प्री का रिज़ल्ट अगर पोस्टपोन होगा तो कहीं ना कहीं जो 19 अप्रैल को यहाँ टेंटेटिव डेट SBI क्लर्क के लिए दे रखी है मेंस के एग्ज़ाम के लिए, तो कहीं ना कहीं अगर प्रीलिम्स का रिज़ल्ट पोस्टपोन होता है तो जो SBI क्लर्क मेंस की जो एग्ज़ाम डेट है वो भी कहीं ना कहीं पोस्टपोन होगी। और इसके मद्देनज़र SBI यहाँ पर नोटिस 100% निकालेगा। तो गाइज़ जैसे ही नोटिस आएगा तो मैं आपको उसके बारे में 100% बता दूंगा। तो गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।